अगर आप परमेश्वर के उद्धार के मार्ग का इनकार करते हैं और अपने मार्गों पर आधारित होते हैं तो ये बुराई है। शायद ये अपने आप में बुरा ना हो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के उद्धार के मार्ग का इनकार करते हैं और अपने काम और भलाई पर आधारित रहते हैं कि परमेश्वर के सामने आपको सम्मान दिलाए, तो ये अपने आप में बुरा होता है। परमेश्वर हमारी कोई भी भलाई स्वीकार नहीं करता। ये सारी बातें परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े हैं, बाइबल कहती है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पुत्र जो सबसे श्रेष्ठ भेंट है जो दिया गया है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने यीशु को दिया तो यह सबसे बड़ी भेंट है दोस्तों, क्योंकि हमें इसी की जरूरत थी। वही हमारी बुनियादी समस्या, इसलिए आपको और मुझे इसकी जरूरत है। और यह पहली भेंट जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया जब उसने उन्हें पाप की दशा में पाया, अब वो निश्चय ही उसके जीवन में बहुत ही अद्भुत बात होगी जब परमेश्वर ने बदले में वो व्यक्ति दिया जो उनके पापों को उठाएगा और उनकी मृत्यु को अपने ऊपर उठाएगा। जब परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए, वो निश्चय उनके जीवन में बहुत ही अद्भुत दिन होगा, क्योंकि चमड़े का अंगरखा एक पशु को मारने के द्वारा आया। परमेश्वर ने उस पशु को बिल्कुल उनके सामने घात किया, उस पशु की खाल को निकाला और उन्हें दिया। उन्होंने कभी मृत्यु नहीं देखी, कभी लहू बहाना नहीं देखा। उस समय तक उन्होंने इन बातों को कभी नहीं देखा था। यह चौंकाने वाला था, यह चौंकाने वाली बात थी कि परमेश्वर उनमें रुचि रखता है। उन्हें चौंकाने वाली बात थी कि परमेश्वर आता है और उनके लिए यह करता है कि उनकी शर्म और नंगाई ढांकी जा सके। मैं सोचता हूं कि इसने उनके जीवन में मानो एक छाप छोड़ी होगी। वे कभी नहीं भूल सकते कि परमेश्वर ने इसे इनकार किया जो उनकी खुद की समस्या का उपाय के तौर पर वो लेकर आए थे, अंजीर के पत्तों के वस्त्र। हाँ, परमेश्वर स्वयं आता है याजक के रूप, वो स्वयं पहला बलिदान चढ़ाता है, वो पहला बलिदान देता है और वो स्वयं ही उस परिस्थिति को दूर करता है। इसलिए वे कभी नहीं भूल पाएंगे उस दिन से आगे कि परमेश्वर की पहुंच जो है उन तक आती है जो मृत्यु के दंड में है। उनके एवज में पशु को लेकर आता है जिसे परमेश्वर ने दिया है। यह परमेश्वर का तरीका है। अब
दूसरा मार्ग नहीं, यह परमेश्वर का मार्ग है, यही परमेश्वर ने दिया है, यही परमेश्वर ने दिया है। और उन्होंने समझ लिया, एक शिक्षा है जो उन्हें दी गई, क्योंकि बाद में जब आप देखते हैं कैन और हाबिल की कहानी, आप अध्याय 4 में वचन 4 में पढ़ते हैं कि हाबिल ने झुंड में से पहला फल मेमना ले आया और उसकी चर्बी को, यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट का सम्मान किया। चलिए एक और कहानी बताता हूं। हाबिल ने झुंड में पहला फल लाया, निश्चित ही छोटा मेमना लाया होगा, और यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट का सम्मान किया। आप जानते हैं दुश्मनी जो हुई, क्योंकि परमेश्वर ने केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसके भाई की भेंट, उसने उसकी भेंट का सम्मान किया। यहोवा ने हाबिल की भेंट को क्यों लिया? इब्रानियों अध्याय 11 वचन 4 कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया, अपने भाई से उत्तम भेंट, विश्वास के द्वारा। यह उसका विश्वास था जिसने उसके बलिदान को ग्रहण योग्य बनाया। विश्वास क्या है? विश्वास ये नहीं हम कुछ शुरू करते हैं या कुछ करते हैं, विश्वास ये है हम कुछ कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है। विश्वास भरोसा करना और परमेश्वर के वचन पर काम करना है। इसलिए हाबिल ने निश्चय ही कुछ सुना होगा और उसके अनुसार उस विश्वास से उसने किया होगा। परमेश्वर के विषय कुछ सुना, विश्वास सुनने से आता है। उसने परमेश्वर के बारे में सुना और वो उसके अनुसार करता है। उसने क्या सुना? उसने कहां से सुना? हो सकता है कि अपने माता पिता आदम हवा से सुना होगा। और उसने क्या सुना था? उसने संभवतः ये कहानी को सुना होगा कि परमेश्वर आया, उसने चमड़े के अंगरखे दिए, अंजीर के पत्ते अच्छे नहीं थे, कैसे परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बनवाए और कैसे उसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि उद्धारकर्ता आने वाला है। उत्पत्ति 3:15 उन्होंने निश्चित ही बताया होगा कि कैसे उद्धारकर्ता आने वाला है। और ये चमड़े के अंगरखे एक पशु घात करने के परिणाम स्वरूप आए हैं और परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था कि यहां परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि यही उद्धार का मार्ग है। एक पशु नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर का पुत्र आएगा और एक दिन अपना जीवन देगा और यह केवल उसका एक चित्र है। उन्होंने ये सिखाया होगा। बिना सिखाए कैसे अचानक हाबिल ने झुंड का पहला फल का बलिदान किया? यह ऐसा नहीं था, यह ऐसे ही वहां पर नहीं हुआ। निश्चय ही उसे सिखाया गया, उन्हें निश्चय ही इसका अनुकरण करना सिखाया गया होगा। जब भी वो प्रभु के पास आए उन्हें निश्चित ही पशु का बलिदान लाना होगा, परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहते हुए, हाँ परमेश्वर मैं एक पापी हूं, मैं जानता हूं मैं एक पापी हूं, मेरे बदले में मुझे कोई चाहिए और मेरे पाप इस पशु पर डाल दिए जाए, मेरे एवज में इसे स्वीकार कर, मैं समझता हूं कि मुझे बदले में कोई चाहिए और मैं समझता हूं कि उद्धार के लिए एक ही मार्ग है, मैं अपने उद्धार के मार्ग का स्वीकार करता हूं, मैं प्रभु के उद्धार के मार्ग को पहचानता हूं, मैं इस तरह से आता हूं। उसी कारण हाबिल का बलिदान स्वीकार किया गया। कैन ने क्या लाया? उत्पत्ति के अध्याय 4:3 में कहा गया है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। इस तरह से यह वचन कहता है उसने भूमि की उपज में से लाया। हां अब मैं ये कहता हूं, कैन वापस ला रहा था जिससे परमेश्वर ने इनकार किया था, अंजीर के पत्ते यानी भूमि की उपज। परमेश्वर ने पहले इनकार किया, कैन ने फसल लाई थी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसके प्रबंध के लिए। वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है, परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे काम पर आशीष दी है और मैं इस लायक हुआ हूं कि उपज में से कुछ ला कर दूं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। लेकिन उस बलिदान को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर केवल हमसे धन्यवाद नहीं चाहता, वो हमसे चाहता है कि हम सच्चाई को जाने, और हमने जो सुना है कि हम अपराधी हैं, और वो चाहता है कि हम उसके उद्धार के मार्ग को स्वीकार करें। परंतु कैन ने जानबूझकर उस सच्चाई की ओर ध्यान नहीं दिया जो आज यहां पर बताया गया। कैन ने जानबूझकर इस सच्चाई को नजरअंदाज किया कि वो मृत्यु की सजा के अधीन है और उसे एवज में कोई चाहिए। उसने माता पिता की शिक्षा का इनकार किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने भी निश्चित ही माता पिता की शिक्षा को सुना होगा, उसने भी निश्चित माता पिता की प्रथा को देखा होगा, परंतु उसका इनकार किया। उसने सच्चाई का इनकार किया कि वो मृत्यु की सजा के अधीन है, और इसने इसका इनकार किया कि परमेश्वर ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए उसका बलिदान इनकार किया गया।
नहीं तो फिर उसने भूमि की उत्तम उपज लाई थी, उससे श्रेष्ठ भाग लाया। शायद वो एक किसान होगा और उसने अपनी भूमि की उत्तम उपज लाई थी, इसमें क्या गलत है? लोग कहते हैं खैर उसके साथ में यही गलत बात है। उसे खास करके बताया गया था कुछ ऐसे लाना जिसके द्वारा लहू बहे और उसका जीवन दे। विचार यही है, लहू बहाना मतलब जीवन देना है और बिना जीवन दिए जीवन नहीं पा सकते, अन्यथा मरना पड़ता है। ये जो बदले में जीवन देने वाला था उद्धार के पीछे यही विचार है, और उसने उस विचार का पूरा इनकार किया। और कैन में यही समस्या थी। जब परमेश्वर ने कहा कि यही मार्ग है और उसके माता पिता इसे समझ गए और उसे सिखाए, और हाबिल ने आज्ञा मानी, लेकिन इसने पूरी तरह इनकार किया, इसने जानकर इनकार किया। और बाइबल उसके बारे में यही कहती है कि उसने क्या किया, उसकी क्रियाएं यही हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3:12 में इस तरह से पढ़ती हैं, नए नियम में कैन के बारे में वो बता रहे हैं, और इसे आप देखिए। और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। कैन के समान न बने जो दुष्ट से था और अपने भाई का घात किया। दूसरे शब्दों में कहता है कैन जैसे न बनो जिसने अपने भाई की हत्या की। और उससे किस कारण घात किया, उसने क्यों हत्या की? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। कैन के काम क्या थे, कैन के काम के बारे में यूहन्ना क्या जानता था? यूहन्ना ने वही बात पढ़ी जो हमने उत्पत्ति में पढ़ी। यूहन्ना कैन के जीवन काल में जी नहीं रहा था, उसे कैन के अपराधों के बारे में कुछ पता नहीं था, उसके पास कैन के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं थी। उसके पास हमारे जैसे ही उत्पत्ति अध्याय 4 से जानकारी थी कि कैन ने अपनी भूमि की जो उपज थी उसमें से कुछ लाया, बस यही है। बाइबल कैन के बारे में यही कहती है। तो दुष्टता क्या है, यही तो दुष्टता थी, या कहिए कि यही तो वो काम थे जो कि बुरे थे। बाइबल इसे बुरा कहती है क्योंकि ये बुरा है, क्योंकि परमेश्वर ने इसका इनकार किया है। हल के लिए हमारे कामों का परमेश्वर ने एक ही मार्ग दिया है और वो उसका इनकार करता है और अपने कामों पर आधारित होता है, इससे ही बुरा कहा गया है। अब इन दिनों में बहुत से लोग दूसरे मार्गों का उपयोग करते हैं कि प्रभु के पास आए। खैर जैसे एक भाई ने कहा, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं लेकिन अब मैं अच्छाई कर रहा हूं जो बुराई को दूर कर देगा। अब हर महीने 1,000 लोगों को भोजन देता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है। हर महीने 1,000 गरीबों को भोजन दूंगा और मैं कपड़े और साड़ी दूंगा। हर महीने और 1,000 लोगों को मैं इसे दूंगा तब तक जब तक कि प्रभु की कृपा मुझ पर ना हो जाए। और एक दिन प्रभु की ओर देखकर कहूंगा, प्रभु इसके बारे में क्या, मेरे से कैसा व्यवहार करेगा, मेरी ओर कैसे देखेगा, क्या मैंने अभी सम्मान पा लिया है कि उद्धार के लायक हो जाऊं? मैं आपको सच बताऊं मेरे दोस्तों, आपने जो काम किए होंगे वो शायद अच्छे हो सामान्य रूप में, लेकिन प्रभु के सामने ये बुरे हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के उद्धार के मार्ग का इनकार करते हैं और अपने मार्गों पर आधारित होते हैं तो ये बुराई है। शायद ये अपने आप में बुरा ना हो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के उद्धार के मार्ग का इनकार करते हैं और अपने काम और भलाई पर आधारित रहते हैं कि परमेश्वर के सामने आपको सम्मान दिलाए, तो यह अपने आप में बुरा होता है। परमेश्वर हमारी कोई भी भलाई स्वीकार नहीं करता। ये सारी बातें परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े हैं, बाइबल कहती है। हमारे सबसे अच्छे बेहतर काम मैले चिथड़े हैं, हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े हैं, बाइबल कहती है। जब मैं प्रभु के पास आऊं तो केवल ऐसे ही आऊं जब मैं उसी मार्ग से आऊं जिसे परमेश्वर ने दिया है, ताकि मैं प्रभु के सामने बड़े हिम्मत से खड़े रह सकूं और कहूं, प्रभु मैं आया हूं जिस तरह से तूने आने के लिए कहा है। तूने कहा यही मार्ग है और मैं उसी से आया हूं और मैंने खुद को नम्र किया। ये मार्ग तूने दिया है केवल यही काम करता है, मेरे काम अच्छे नहीं है, इसलिए मैं तेरे मार्ग से आता हूं। केवल इसे ही स्वीकार किया जाता है। तो कैन चला गया, पाप में आगे बढ़ा, अपने माता पिता से भी बढ़कर। उसके माता पिता ने क्या किया था, प्रभु की आज्ञा को तोड़ा था। प्रभु ने कहा यह फल नहीं खाना, उन्होंने उसे खाया, ये पाप है, बुरा है। लेकिन परमेश्वर ने पाप के लिए हल दिया था, और कैन तो ऐसा था जिसने पाप के लिए परमेश्वर के हल का ही इनकार कर दिया। देखिए, पाप करना एक बात है और पाप के लिए परमेश्वर के हल का इनकार करना, मैं सोचता हूं ये बड़ा पाप है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब परमेश्वर के सामने पापी हैं,
हमारे मध्य में अगर आप इस एंगल से देखते हैं, एक शायद दूसरे से अच्छा होगा, दूसरा किसी से बेहतर होगा, मैं इसे असहमत नहीं। लेकिन जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमें ऐसे देखता है जैसे मानो 100 मंजिल इमारत से ऊपर से देख रहा है और सभी एक ही आकार के दिखते हैं। देखिए, कोई नहीं बता सकता कौन लंबा है या नाटा है। और परमेश्वर कहता है सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, इसका हल क्या है? बाइबल कहती है कि इसका हल तो यीशु मसीह है। वो क्रूस, बहाया गया लहू, क्रूस के ऊपर अपनी जान देना, यही तो मनुष्य के पाप के लिए एक हल है। वो हमारे बदले में मर गया। क्या आपने ये स्वीकार किया? और जब आप इसका इनकार करते, मेरे दोस्तों, ये तो पाप से भी बहुत बड़ा पाप है। बाइबल कहती है कि जब एक दिन न्याय किया जाएगा, लोगों का न्याय इस तरह से नहीं होगा, उन्होंने किए हुए उन सारे छोटे छोटे पापों के कारण उनका बस एक बात से न्याय होगा, और वो है, यानी देखिए, जब न्याय होगा तो बाइबल कहती है कि उनका न्याय होगा इस पाप के आधार पर, और वो पाप है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, यीशु ने कहा। और वही वो पाप है जिसके लिए न्याय होगा, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा पाप है। पाप किया है, खैर, लेकिन क्या आपने हल पाया है, उसे स्वीकार किया है? कैन ने इस हल का इनकार किया। ठीक है, हमने अभी कहानी देखी आदम, हवा, कैन और हाबिल की। इसमें आप लहू का बलिदान देखते हैं। परमेश्वर लहू के बलिदान के द्वारा आदम हवा को सिखाता है, परमेश्वर लहू के बलिदान के द्वारा सिखाता है हाबिल को और कैन को। कैन ने इनकार किया, हाबिल ने स्वीकार किया। अब चलिए पुराने नियम में देखते हैं। मूसा के समय में, मूसा की व्यवस्था में, वहां पर हर तरह से लहू के बलिदान के बारे में विवरण दिए गए हैं। वहां पर बहुत से लहू के बलिदान थे और इन सभी जो विधियां वहां पर थी, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और वो था वो विधि जिसका नाम था प्रायश्चित का दिन। साल में एक दिन निश्चित किया गया प्रायश्चित के दिन के रूप में। सब लोग आते थे और वो कुछ करते थे। प्रायश्चित के दिनों में सबसे मुख्य व्यक्ति था महायाजक, और वो क्या करता है? महायाजक आता था और वो लेता था 2 मेमने को। वो पहले एक मेमना लेता और उस पर अपने हाथ रख देता था और उस देश के सारे पापों का उस मेमने पर अंगीकार करता था। अगर आप वहां पर इसराइल में होते तो आपके पापों का अंगीकार वहां पर आप सुनते। वो पूरे देश के पापों का अंगीकार करता था उस एक मेमने पर, और उस मेमने पर हाथ रखकर उसका अंगीकार करता था। ये जो हाथ रखना था, इसे तो इस तरह माना जाता था कि वो उंडेल रहा है उस पाप को और दोष भावना को जो उनमें थी, वो उस पर डालता है, यानी वो हाथ रखकर देश के पापों का अंगीकार करता था, एक प्रतिनिधि के रूप में ऐसे करता था। वो उस देश के सारे पापों को लेता था, उसका अंगीकार करता था और उस मेमने पर अपना हाथ रखता था। वो तो सच में पूरे देश का जो पाप था, वो तो उस मेमने के ऊपर में लाद रहा था, पूरे देश का सारा पाप। और फिर उस जानवर को ले जाते और मारते थे, लोग देखते थे और वो एक बात समझते थे, ये जानवर मेरे पापों के लिए मर रहा है, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पाप उस जानवर पर रखे गए हैं, मेरे पाप उसके ऊपर में लाद दिए गए हैं अंगीकार और हाथ रखने से। महायाजक ने उस पर हाथ रखा, इसलिए अब ये जानवर मेरे बजाय दोषी हो गया, क्योंकि अब उस जानवर को पापी के रूप में माना जाता। वो जानवर मारा जाता, और जब वो जानवर मारा जाता तो उसका लहू लिया जाता था और उसका लहू बहाया जाता, उसे लहू बहाकर मारा जाता था, और फिर वो लहू लिया जाता था, और फिर महायाजक जाता था उस भवन के तंबू में, उस महापवित्र स्थान पर जाता जो कि उस भवन का सबसे भीतरी भाग होता था। वहां कोई नहीं जा सकता था, यह गंभीर बात थी। परमेश्वर यह सब कुछ दिखा रहा था। वहां कोई नहीं जा सकता था, वहां एक पर्दा था, उसके पार लोगों को जाने के लिए मना किया गया था। वो बहुत मोटा पर्दा था और लोगों को वहां पर आने से मना किया गया था। देखिए, उस पर्दे पर, वहां उस पर करूबों का चित्र था। आपको याद है जब परमेश्वर ने आदम हवा के पाप के बाद में उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, उसने करूबों को रखा और जलती हुई तलवार को फाटक के पास में रखा अदन की वाटिका पर, कि वो फिर से प्रवेश न कर सके। उन्हें भीतर आने से मना किया गया और करूबों का ये जो चित्र था वहां
पर्दे पर बनाया गया था एम्ब्रॉयडरी काम के द्वारा, यानी ये याद दिलाता था कि अदन की वाटिका में क्या हुआ था। ये कहना था ये अदन की वाटिका है, यहां पर मत आना, याद रखो तुम्हें अदन की वाटिका से निकाला गया, तुम्हें अदन की वाटिका में आने से मना किया, यहां पर प्रवेश नहीं करना, परमेश्वर ने तुम्हें निकाल दिया, तुम बाहर ही रहो। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? वो उन लोगों से नफरत कर रहा था? नहीं, उन्हें पाठ सिखा रहा था। क्या सिखाना चाहता था? कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को बिल्कुल नहीं देखता है, बाइबल कहती है, और इसलिए पापी और परमेश्वर जैसे वो हैं कभी एक साथ में नहीं आ सकते थे। पापी को परमेश्वर के पास आने के लिए पहले पाप से निपटना था, और परमेश्वर ने अपने प्रेम में उनके पापों के लिए बलिदान का प्रयोजन किया था, उनके पापों के बदले में कोई दिया, यानी वो लहू लेता है और वहां पर जाता है, और महायाजक को भी खुद वहां पर बड़ी सावधानी से जाना है, उसे अंगीकार करना पड़ता था, मतलब अपने पापों के लिए पहले प्रायश्चित करना था वहां पर प्रवेश करने के पहले, क्योंकि सही तरीके से प्रायश्चित नहीं किया तो वो वहीं पर मर जाता था। और उसकी कमर पर वो रस्सी बांधते थे, कमर पर घंटियां बांधी जाती थी, और जब वो चलता था क्रिया करता था इन घंटियों की आवाज़ होती थी, और बाहर के लोग जानते थे कि ये जीवित है और ये सारी विधियों को पूरा कर रहे हैं। महापवित्र स्थान में जब घंटियों की आवाज जोर से होती थी, धुप आवाज आ गए, तो समझ लेना कि वो मर गया है, और भीतर जाकर उसे निकालने की कोशिश करते तो वो भी मर जाते थे। भीतर नहीं जाना था इसलिए रस्सी लगी थी कि उसे खींच कर निकाले। अब पता चला क्यों रस्सी बांधते हैं। उसे खींच कर निकालते, जाकर निकाल नहीं सकते हैं। देखिए, ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये तो सच में बहुत ही गंभीर बात है, और परमेश्वर उन्हें एक पाठ सिखा रहा था कि वो पवित्र है और लोग पापी हैं, और एक ही तरीके से उसके पास आ सकते हैं, लहू को लाए। और जब मनुष्य पूरी तैयारी के साथ में लहू को लेकर वहां पर जाता है, वहां वाचा का ये संदूक होता है जिसमें कुछ चीजें थी, और उसमें से एक थी 10 आज्ञाएं। वाचा के संदूक के ऊपर में एक आच्छादन था जो कि सोने की परत थी, उसे दयासन कहा गया है, और वहां पर भी दोनों तरफ से करूब थे, दोनों तरफ से। और वो वहां पर जाते, उस लहू को लेकर जाते, उस मेमने का जो कि मारा गया था, और उसे दया के सिंहासन पर छिड़कता था, पापियों के लिए दया की विनती करता, बहाए गए लहू के आधार पर। लहू बहाया क्यों गया? क्योंकि ये तो सबूत के रूप में ले जाया गया कि जीवन दिया गया है। अगर लहू बहाया गया है तो मुझे सबूत लाकर दिखाओ, इसका मतलब है कि जीवन दिया गया है। तो वो लहू लेता है और उसे उस पर छिड़कता है, और परमेश्वर की सहमति पाता है, और परमेश्वर कहता है हाँ, जबकि इसके बदले में ये उपलब्ध किया गया है, तो अब मैं पापों को क्षमा करता हूं, और मैं लोगों पर अभी कृपा करूंगा, और ये सब। तो अब परमेश्वर उन्हें पाठ सिखाता है, उन्हें ये सिखाता है कि इसी तरह से तुम आते हो, तो वो लहू छिड़कता है और बाहर आता है, और दूसरे मेमने को लेता है। दूसरा मेमना याद है, एक काम करने के लिए 2 मेमने की जरूरत थी, एक आदमी के काम के लिए। दूसरा मेमना वो लेता और उसके सिर पर फिर से हाथ रखता और सभी लोगों के पापों का अंगीकार करता था, और दूसरे मेमने को छोड़ा गया, मेमना कहा गया, और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे दूर कहीं पर। और जैसे ये छोटा मेमना वहां पर जंगल में वहां पर चलते जाता था, तो लोग वहां पर खड़े रहकर देखते थे, और वो जानते थे कि इसका मतलब क्या है। अभी उनके पाप उनके ऊपर में नहीं है, लेकिन उनके पाप उस जानवर के ऊपर लाद दिए हैं, और वो जानवर तो बहुत दूर दूर चले जा रहा है। और जैसे वो वहां पर रेगिस्तान में चलता था तपती धूप में, थक कर वो वहां पर शायद जंगल में ही गिर कर मर जाता था, और वो फिर कभी लौट कर नहीं आता था, कभी वापस नहीं आता, और लोग जानते थे कि वो अपने पापों को फिर से कभी नहीं देखेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि उनके पाप कहीं दूर जा रहे थे और उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगले साल वो आकर बस यही फिर से करते थे, यानी पाप कहीं नहीं जाता था। ये पूरा ड्रामा था, ये तो ऐसा ड्रामा था कि नई वाचा क्या करेगी और पाप दूर किए जाएंगे और फिर उसे स्मरण नहीं किया जाएगा। और वो वहां पर खड़े रहकर देखते थे कि ये जानवर बहुत दूर चला गया, और वो चैन की श्वास लेते थे जब ये मेमना उनकी आंखों से ओझल हो जाता, और वो घर आते ये जानते हुए कि वो किया जो उन्हें करना चाहिए था, कि वो परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करे।
power of his love, they is stronger than all, stronger than all. As we worship in unity, Jesus our Lord, victory comes in his name by his word. And the power of his love, they are stronger than all, stronger than all. As we worship and